अस्सलाम वालेकुम, अर्बन विलेज पाकिस्तान में वेलकम करते। आज हम जा रहे हैं बाय रोड कराची टू हैदराबाद और जामशोर वगैरह में भी जहाँ जहाँ स्टे कर सकेंगे करेंगे। पूरा रूट आपको दिखाएंगे। आजकल वहाँ पर टोल प्लाजा है आएगा, फिर एम टैक आएगा, उसके बारे में आपको नॉलेज देंगे। दिसंबर से वो लागू हो गया है, उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और फर्दर फिर हमको पैसे कितने देने हैं वो सब आपको बताएंगे। और चले हमारे साथ रास्ते पे एंजॉय करते हैं। और हम सब फैमिली व्लॉग है ये और बहुत मज़े से जा रहे हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत एंजॉय करेंगे। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आए हमारे साथ। खाने का कुछ नहीं है आपको निकालना, सब पीछे पैक कर ले रहा हूँ। तो हम निकल रहे हैं, बस अल्लाह का नाम लेके। और आप सब से गाँव की पूजा है कि पहले से जाए पहले से आए। अब हमारे सफ़र का आगाज़ हो गया है। सफ़र की दुआ पढ़ ली है, आयतुल कुर्सी पढ़ ली है और सात खैरियत से हमारा सफ़र गुजरे। और हम अब निकल गए हैं बाय रोड, अब नेशनल हाईवे की तरफ हमारे रवा दवा है। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे चीज़ें हमें नज़र आती जाएंगी आपको शेयर भी करेंगे, बताते भी जाएंगे। और देखें बड़ा हम लोग इंजॉय करेंगे, पूरी फैमिली व्लॉग है। और सारे फैमिलियों को निकलना भी चाहिए, मौसम बहुत अच्छा है, ना बहुत ज़्यादा सर्दी है ना बहुत गर्मी है, दरमियाना मौसम है। तो अभी टाइम जो हो रहा है 7:30 हो रहे हैं, सुबह के 7:30 बज रहे हैं। तो अब हम निकल गए, इंशाल्लाह हम यहाँ से सीधा कराची टू हैदराबाद जाएंगे मोटरवे से होते हुए। तो रास्ते में जो जो चीज़ें आती जाएंगी वो हम आपको बताते जाएँगे। हम सब्जी मंडी वाली रोड पर मुड़ रहे हैं। सही रोड नहीं बनाई है ऊपर जाने के लिए, तो ये बहुत खड्डे होते हैं।
का बहुत फेमस करते हैं, आएंगे देख के सुबह का और रात का तेजी खुशबू है आ रही है ये देख के। ये कराची की इस हाँ रात बन ना वो सब्जी मंडी है ना भिंडी, ये हम सब्जी मंडी के पास रखता थे। हाँ लेट हो गए वैसे आज हम, लेकिन था तो हमें 6 बजे चाहिए था। ठंडी हवा यार। हो रहे हैं सुबह के 8 बज गए और अब हम 100 के करीब की स्पीड पे हम पहुंच गए। जल्दी से हम अपना सफ़र कर रहे हैं और अभी ये हम नेशनल हाईवे पे हैं, तेज़ी से जा रहे हैं। सूरज बिल्कुल कोने में हमें दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ऊपर आ रहा है आहिस्ता से, इतना अच्छा सीनरी दिखाई दे रही है। ये मैं बोर्ड पे यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, ये आ रहा है इसमें हैदराबाद का लिखा हो कि कितनी दूरी पे सीधा जाते हैं, ये आ रहा है हैदराबाद 2 किलोमीटर्स बिल्कुल सीधा। हैदराबाद 2 किलोमीटर नहीं है आगे 9 किलोमीटर, तो यहाँ साइड में जाने वाला था कुछ और। कोई बात नहीं है, अच्छा पीछे इसके 139 अभी टूल प्लाजा में हम रुकेंगे, वहाँ का भी आपको दिखाएंगे कि हमें कितना वहाँ पे प्राइस पड़ती है, टोल हमें कितनी पड़ती है। वहाँ से फिर हम और अच्छी रोड पे आ जाएंगे, मोटरवे पे M9। एक और आ रहा है हैदराबाद का, ये नहीं बताया कि कितना है एग्जिट, हैदराबाद का नहीं लिखा हुआ लेकिन डायरेक्शन दी हुई है, डायरेक्शन दी हुई है कि कितने पैसे नहीं है ठीक है वो आगे एग्जिट पॉइंट मेहरबान। हम तो हैदराबाद जा रहे हैं जी, हैदराबाद में भी एमटेक की ठीक है, हमें आगे जरूरत पड़ेगी
एम टेक की जरूरत पड़ेगी अभी आपको सिलेंडर दे दिए एम टेक तो लगवाना है तो आगे से लगेगा ठीक है नॉट कंपलसरी हमें यहाँ पे कोई टोल पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है बोल रहे हैं आगे जाके हमें अभी रसीद बस दे दी है अब हम M9 पे आ गए हैं मोटरवे पे और यहाँ से अब हम हैदराबाद की तरफ जा रहे हैं मोटरवे में आए हुए हैदराबाद का मोटरवे M9 यहाँ से सुबह का टाइम है और बहुत ही शानदार नज़ारा है ये और ये अल्लाह की नेमत है ऐसी हवा और ऐसा ये बहुत ही ऐसा लग रहा है बादल यहाँ पर गिर के आ रहे हैं काले काले हवाएं इतनी शानदार है कि बहुत ही बहुत प्यारी और ये नेमत है अल्लाह की और ये देखें सामने सूरज छुप गया है और हम N9 में मोटरवे पे खड़े और हम रुकते हुए जाएंगे एंजॉय करते हुए क्योंकि करने ही आए
आ गए। DHACT ये पहाड़ियाँ यहाँ पे कितनी हैं, हिल्स हैं बिल्कुल, पत्थर ही पत्थर। DHACT है सारा एरिया ना, थोड़ा डेवलप किया हुआ है। चेंज हो गया है कराची के मुकाबले में। अब जा रहे हम हाईवे, यहीं से जाके बस हाईवे। ये आ गया हैदराबाद 83 किलोमीटर, सक्कर 40 और मुल्तान तो बहुत आगे 800। अभी हम करीब हैं, अभी नेक्स्ट हमारा टोल प्लाजा हैदराबाद में ही आएगा। अब बिल्कुल खुला खुला यहाँ पे सब आ गया है। बिल्कुल इंडस्ट्रियल जगह हमें सारी दिखाई दे रही है, जहाँ पे लार्ज प्रोसेसिंग में सारी चीज़ें बनती हैं, आती हैं। यही सी पत्थर भी लेके जाते हैं, उनके बनाते हैं, उनके मार्बल सब, सौ मेल सब दिखाई दे रहा है, कंटेनर्स भी तो बड़े बड़े। हैदराबाद फिर उसका बिजार है, फिर पंजल मक्खन, पंजल मक्खन बिजार।
मीटर्स में यहाँ लिखा हुआ आ रहा है। टाइम हो रहा है 8:53। ट्रैफिक देखे इन ट्रकों की वजह से कितनी ज्यादा रोड जो है ना वो ब्लॉक हुई। इंडस इनक्लेव बिल्कुल सीधा रास्ता है तो कि एंट्रेंस है लेकिन बिल्कुल सीधा जा रहा है। तो ये अभी हम पेट्रोल पंप के पास रुके हैं इधर खाने पीने के लिए। काफ़ी बस हैदराबाद आने ही वाला है करीब में हैदराबाद। और यहाँ ठंड ठंड है हाईवे में क्योंकि हाईवे खुला होता है यार हाईवे में। तो हाँ हाईवे में थोड़ी बहुत ठंड तो होती है और 9 बजे भाई ठंड बहुत है। जैकेट रखी है हमने लेकिन अभी निकाल नहीं रहा ठंड के मज़े। कराची में तो होती नहीं है ठंड। यहाँ हम कहाँ पर हैं कराची के मुकाबले में यहाँ पर ठंड ज़्यादा है क्योंकि हम कराची के बाहर आ गए हैं ना। तो हैदराबाद 53 या फिर अराउंड 50 या 53 किलोमीटर रह गया और यहाँ पर एहसास हो रहा है कि यहाँ भी ठंड है। कराची का जो मौसम पिछले दिन 2 दिन से गर्म था ना 3 दिन से गर्म हो गया था यहाँ पर आके चेंज हुआ हुआ है। पेड़ बह रहे हैं दो पेड़ हैं यहाँ। यार तुम्हें कैसा लग रहा है इसका? मुझे तो पतली शर्ट पे गई ये नाने फिर जैकेट भी लो ब्लैक ये देखिए आराम आराम सामने। हाँ कौन हो तुम? इसकी शर्ट तो आराम ना होने के बराबर लगा अरे रिकॉर्ड हो रहा है अरे भाई ये दिखाओ ये रोल लाइन बनाया तुमने कौन सा बनाया बताओ बताएंगे तुम्हारे। चिकन चीज रोल है और ये चिकन मायो रोल है। मायो हम लोग तो खा रहे हैं मायो रोल। वो कौन सा था मायो? आयो आयो मायो आयो ओए आयो नहीं कहने मामा। अरे इसमें कौन सा था डाल दिया मैंने बहुत ज्यादा डाल दिया। ये लोग शौकीन है मायोनीज के। आप क्या खा रहे हो? मायो रोल है मामा। चखा है बहुत ज्यादा डाला हुआ है बाहर का मायर रोल उससे ज़्यादा होता है। भाई मुझे तो बहुत ठंड लग रही थी मेरी शर्ट ना होने के बराबर बना भी आ गया ऑटोमेटिक। ये भी बना लो। अच्छा खाना भी आ गया थोड़ा सा आराम भी आ गया अंदर। टाइम क्या हो रहा है? 9 बज गए। कैमरा सेट कर लें। सही है कॉफी चाहिए तुम दोनों में से? हाँ हीरो बन के आया ना नीला है जैकेट नीला है ग्रीन वाला नहीं वो तो है ना आपकी है हाफ येलो हरा यार मेरा हाथ खाना खा रहा हूँ मैं। तो पियोगी कॉफी? ये कॉफी है कॉफी घर से लाए थे। आज बारिश की भी प्रेडिक्शन है 10 बजे तक।
मौसम वैसे ही ठंडा है, तो बारिश के बाद हो सकता है कि मौसम और ठंडा हो जाए मुक्के में। ये पेट्रोल पंप का नाम क्या है? फवाद। एरिया कौन सा है ये? बुलार एयरबेस। हाँ, बुलार एयरबेस। एयरबेस है बुलार। अभी ठंड हो रही है? ठंड है यहाँ पर चल रही। कराची, हम कराची से आ रहे हैं, वहाँ पर तो ठंड नहीं है इतनी। अच्छा, यार इस ठंड के मौसम में कॉफी कॉफी है, इसलिए थोड़ा मजा आ रहा है। वरना हवा काफी ज्यादा चल रही है, है ना। बारिश वारिश हुई थी ना, उसकी वजह से ठंड ज्यादा हो रही है। पापा को भी ठंड लगी। तुम लाई जैकेट? नहीं मैंने बोला कराची में इतनी गर्मी है। खैर अभी सही हो जाएगा, सुबह का टाइम है। कलमकारी मेरी शॉल है और इसका तो बड़ा मशहूर था कि बहुत गर्म है, अभी तो लग नहीं रहा। देखिए अगर कॉफ़ी नहीं होती ना तो मैं अभी अभी भी काँप रहा हूँ मैं तो। रास्ता में सुनसान भी लगा, खाने पीने का बंदोबस्त रास्ते में हमें नजर नहीं आया खास ना, सवाए ढाबों के। ढाबों के KFC ना हो, लेकिन रेस्टोरेंट जैसे होता है वो भी नहीं होता, ढाबे ही होते हैं। मोटरवे में कुछ होते हैं लेकिन वो बहुत महंगे होते हैं। देखिए वॉशरूम रिफ्रेश और वॉशरूम वगैरह यहां पर, ये तो सत्तर अभी तो मोटरवे में चल ही नहीं है। भाई थैंक यू, कॉफी सब तो मजे की थी तुम्हारी। इस ये बोतल का ढकना मैंने तो खाई नहीं। सर्दी लग रही है बहुत, कपकपाहट हो रही है, हाथ ठंडे या होता है फिर बचा रही है हमें, वरना तो हम गए थे। और अयान का तो हम लोग खास तौर पे पतला लेकर आए थे कि गर्मी बहुत हो गई है, बिल्कुल पतला होना चाहिए, पतला होना चाहिए, बहुत ही पतला हो गया है, हालत ही पतली जा रही है। ना रहा मौसम है कराची के मुकाबले में, वो बहुत ठंडा। हाँ बहुत ठंडी हवा चल रही है। क्या लिखा है? लूस। ये वो जिंगर वाला लॉस एंजेलिस कश्मीर जैसी ठंडी हवा चल रही है, मुझे जैकेट चाहिए। सर खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मैं हवा के लिए गाड़ी से निकल रहा हूँ, फिर दोबारा अंदर जाना पड़ रहा है। घर कैसा बनाया? बर्गर सबसे अच्छा बर्गर ही है। खाना कौन सा है? केएनसी पैटी है, डॉन का ब्रेड है, लेटिस है और मायनीज है। सिंपल है लेकिन बहुत अच्छा है। ये घर का है, जिंगर है। ये खाना है। वाओ। और गोविंदा और क्या है? बस भाई वो हमारे चिप्स पड़े हुए कुरकुरे है। कुरकुरे अभी हमने यहाँ से फारिग हुए हैं, रिफ्रेश हुए हैं, खाया पिया है थोड़ा बहुत, तो मेरे वॉशरूम की नीड्स पड़ रही थी, तो यहाँ पर वॉशरूम भी बना हुआ है। गुजारे लाइक है बस, सही है। यहाँ पर होते हैं रोशन लाल होते हैं, तो 20 रुपये देखिए यहाँ पर आप। जेंट्स भी है और लेडीज़ का भी है, लेकिन इतनी हाई फाई नहीं, बस नॉर्मल है कि गुजारा हो जाएगा आपका। तो इस जगह पर ये होना भी बहुत बड़ी बात है। तो अब हम निकलने आगे तब जा रहे हैं, सफ़र अपना कर रहे हैं। और यहाँ पर देखें ये भी होते हैं हादसात होते हैं गाड़ी के, तो आप जब भी आप हाईवे पर निकलें या मोटरवे पर निकलें तो आप अपना ज़रूर ख्याल करें ड्राइविंग करते हुए, जो भी सेफ्टी मेजर्स हैं वो आप ज़रूर लें आप। तो चलते हैं फिर आगे हम। गाइस अब हम वापस रास्ते में निकल गए हैदराबाद के लिए। हम यहाँ से रिफ़्रेश हो गए, खा पी लिया है, मैं भी अभी कॉफ़ी अपनी पी रहा हूँ। अब हम लगभग पहुँच ही गए, आगे बोर्ड भी आ रहा है, उसमें लिखा होगा कितनी दूरी रह गई है।
यही करना चाहिए। ये डीप वाटर वॉक पार्क है, खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला, छोटा सा ही है। मुझे याद है कि हम जब बचपन में कराची में आए थे ना, ये 1986-84 में तो ट्रेन में आए थे। हाँ ट्रेन, लेकिन जब ये येलोश यहाँ की मिट्टी है ना, यहाँ की मिट्टी का कलर येलो शेड है, लाहौर के मुकाबले काफ़ी पे फर्क लगा, मतलब क्या हम आउट ऑफ प्योर मुल्क में आ गए। स्पीड कम होती है, लाहौर का जो है मिट्टी का कलर वो अलग है, हाँ वो अलग है। ये जब पिलाहाट में रेत थी, जैसे रेगिस्तान था ना कराची से, रेगिस्तान उसमें वो पिलाहाट है, रेत रेत की, हाँ पथरेली, तो कितना खूबसूरत लगता है जो पता ये चीज़ें यहाँ वो, इसलिए रोड की वजह से एक्सल बहुत अच्छा है इसमें, तो गाड़ी स्पीड में ना तभी से ये आ गया ना, तो हाँ ब्लॉक पिछली तो नहीं दिखानी है ना, ये तो नहीं दिखाने की जरूरत। हैदराबाद में और तो देना पड़ेगा ही नहीं है, बिल्कुल यही है, एक और आएगा। 340 रुपए टोल, अभी हम इस टूल प्लाजा से निकल रहे थे तो पुलिस वाले ने हमें रोक लिया और थोड़ा सा परेशान कर रहा था कि आप क्यों बना रहे हैं यहाँ के। हम लोगों ने कहा हम ब्लॉगर हैं, यूट्यूब चैनल पे हैं, उसका हम बना रहे हैं और कहीं मेंशन नहीं है कि नहीं बना सकते, दुनिया बना रही है और ये हमें थ्रेट दे रहे थे कि यहाँ नहीं बनाना चाहिए और ये वो। खैर हम वहाँ से निकल आए, थोड़ी अपने मुल्क में पाकिस्तानी अपने ट्रैवलिंग व्लॉग, हाँ परेशानी क्रिएट नहीं करें लोगों के लिए, आप लोगों की सहूलत के लिए है, परेशान है लोगों की सहूलत के लिए है, लोगों को परेशानी देने के लिए नहीं, एंजॉयमेंट के लिए निकलती है बाहर। हम वीकेंड में अपना एंजॉयमेंट के लिए निकले हुए और खैर देखते हैं अब आगे, और थोड़ा सा ही रह गया हैदराबाद पहुँचने में टाइम। ये हैदराबाद 31 किलोमीटर हमारा रह गया है और टाइम हो रहा है साढ़े नौ तकरीबन, 9:30 हो रहे हैं, हम पहुँचने वाले हैं हैदराबाद। हम एक केक के लिए हम हैदराबाद जा रहे हैं, पूरा रास्ता कराची से निकले
बॉम्बे बेकरी की तरफ फ्रूट केक और कॉफ़ी केक के लिए, पूरा रास्ता हम केक के लिए निकल लें। बस अब आए क्या है हमारी केक की जर्नी। ये वो पावर फैन सारे चल रहे हैं जो वो एनर्जी क्रिएट करते हैं हवा से चलने वाले, बड़े वाले लगे हुए हैं बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। फॉग में बिल्कुल खुली जगह लगाए हुए हल्के हल्के चल रहे हैं। किसी करीबी सेटलमेंट के लिए, किसी इंडस्ट्री के लिए ये पावर जनरेट कर रहे हैं। ये बहुत हैवीली चल रहे हैं, वरना भी तो स्लो लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत इन पर फोर्स बहुत ही है। मेरा भी फर्स्ट टाइम है मैं ये देख रहा हूँ इनको। पता नहीं ये वीडियो में दिखाई दे रहा है या नहीं, लेकिन ये फॉग में बहुत सारे मतलब 15-20 तो दिखाई दे रहे हैं दूर दूर तक। हैदराबाद है और कोट पे बोनी कोट टाउन में कोट भी है। ये अब हम दरियाए सिंध के पास से गुज़र रहे हैं और ये मौजें मारती हुई देखें लहरें हैं और बहुत ही मज़ा आ रहा है। ऐसे नज़ारे जो है ना, ये से सीन जो हैं ये बहुत ही मुश्किल से नज़र आते हैं। हम लोग निकलते कम हैं हाईवे में, तो ये दिली सुकून बड़ा महसूस होता है कि भाई ज़हनी तौर पे भी रिलैक्स हो जाते हैं हम ऐसे सीन देख के ना। तो ऐसे ही आप भी देख रहे होंगे, तो आप लोगों को यहाँ आना चाहिए और ये सफ़र ज़रूर करना चाहिए। बहुत सुकून मिलता है और बहुत अच्छा लगता है।
वही सीधा है, आपको सीधा कट जाएगा। ये आप क्या जमा कर रहे हैं? कासिम चौक जो आएगा ना, कासिम चौक से सीधा निकलना, फिर थोड़ा उल्टे हाथ पे टर्न करना, आगे फौजिया भी खड़े हैं कैंट जो ऐसे सीधा। अच्छा ये बताओ, ये हैदराबाद शुरू हो गया, आगे हम हैदराबाद में ही है? नहीं, हैदराबाद में ही है सर। चलो हम कराची से आए। ये अब्दुल्ला टावर है बड़ा जो 11 मंजिल है। आप कराची से आए? सलाम अलैकुम। घूमने के लिए आए? जाओगे खुला आएगा, पुल से नीचे उतर के ऐसे घूमोगे कासिम चौक, कासिम चौक सीधा निकलो, उल्टे हाथ में थोड़ा टर्न करना सामने, वो अपना कैंट है, कैंट से सीधा निकलना। और कौन सी मशहूर जगह जो यहाँ देखे हम करें? बॉम्बे बेकरी हो गई है, बॉम्बे बेकरी हो गई है, रानी पार्क हो गया है। और क्या चीज़ें यहाँ? कोई किला विला है यहाँ पे तालपुर का, कोई ऐसी पुरानी जगह जो देखने की होगी? किला विला खास तो ऐसा नहीं है, घूमने अच्छा। के लिए हैदराबाद का शहर है बड़ा अच्छा खासा शहर है, आप वैसे भी घूम सकते हैं। म्यूजियम है? हाँ हाँ, पूछना है फिर तुमने ये क्या जमा कर रहे हैं आप? ये सरसों का साग? ये बकरी के लिए घास है। अच्छा, खाएंगे वहाँ घास? सरसों का साग है? बकरी के लिए लेके चले। नाम क्या आपका? आदम हुसैन। बहुत मेहरबानी आपने। अल्लाह हाफिज़। मेहरबानी। ये हम हैदराबाद में आ गए हैं। तो हम ये हैदराबाद के अंदर अब आ चुके हैं। हमारी कराची टू हैदराबाद ये था व्लॉग। हैदराबाद के अंदर अब आ गए हैं। यहाँ से हम बॉम्बे बेकरी जाएंगे जो बहुत मशहूर है हैदराबाद की। वहाँ के फ्रूट केक, चॉकलेट केक और आलमंड, मतलब बहुत सारे केक होते हैं, बहुत फेमस है वो सब। हम आप लोगों को दिखाएंगे, बॉम्बे बेकरी को पूरा रिव्यू देंगे और उनका केक भी दिखाएंगे आप लोगों को। तो ये पार्ट वन है वीडियो का, इसके काफ़ी पार्ट्स आएंगे मेरे ख्याल से, टोटल 3 और पार्ट्स आएंगे। तो आप लोग देखते जाएँगे, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, बताएं आप लोगों को और कौन कौन सी जगह हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।